देखिए, देश में जब भी कोई ना कोई चुनाव करीब होता है, कुछ मुद्दे जरूर उछलते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं, अब वो देश में मुद्दा बन चुके हैं। आज सावरकर चर्चा में इसलिए आ गए हैं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने जो दया याचिका दी थी, उसके पीछे महात्मा गांधी थे, और इसी पर अब बवाल शुरू हो गया है। सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का अलग अलग अक्स है। बीजेपी के लिए सावरकर वीर है तो कांग्रेस के लिए सावरकर अंग्रेजों के सामने दया याचिका देने वाली शख्सियत। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। हिंदुस्तानी राजनीति में पक्ष और विपक्ष में सावरकर को लेकर इन्हीं दोनों तर्कों की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। सावरकर आज खबरों में इसलिए हैं क्योंकि उनकी दया याचिका को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया और कहा कि सावरकर ने दया याचिका गांधी जी के कहने पर दी थी और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। राजनाथ ने 12 अक्टूबर को यह बयान दिया और 13 अक्टूबर को देश की सियासत गर्मा गई। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ नेशन बना देंगे लोग। एक बात है सावरकर ने कि माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों के एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद दो राष्ट्र की जो बात है सबसे पहले सावरकर ने की। आजादी के बाद एक सीडो सेकुलर सिंडिकेट था जिसने तमाम ऐसे हमारे जो नायक थे उनको जो है खलनायक बना करके पेश किया। जहाँ तक वीर सावरकर का सवाल है, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनको देश के निर्माण के प्रति उनका संकल्प किसी से छिपा नहीं है। यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सावरकर का नाम वोट की राजनीति में कहीं प्रखर राष्ट्रवाद तो कहीं इसके उलट इस्तेमाल होता है, लेकिन सवाल ये है कि सच क्या है? क्या वाकई गांधी जी के कहने पर सावरकर ने दया याचिका दी थी? इस पर सबसे पहले सावरकर के पोते रंजीत सावरकर को सुनिए। गांधी जी ने 1920 में सावरकर जी के छोटे भाई थे, उन्हें एडवाइस किया था कि और एक याचिका लिखो। इसका मतलब गांधी जी को सावरकर जी की पहले याचिकाओं का के बारे में मालूम था। और जनवरी 25 को उनका एक लेटर है, ये आप कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में अवेलेबल है ये, और उसमें वो कहते हैं कि आप और एक याचिका लिखो और ये लिखो कि वहाँ पे वो उनके जो क्राइम्स है दे आर पॉलिटिकल नेचर। जिस चिट्ठी का जिक्र रंजीत सावरकर कर रहे हैं, अब उसमें क्या लिखा है उसे भी जानिए। प्रिय डॉक्टर सावरकर, मुझे आपका पत्र मिला, आपको सलाह देना कठिन लग रहा है, फिर भी मेरी राय है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार कराएं जिसमें मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनैतिक था। चिट्ठी के इस आदान प्रदान के समय की परिस्थिति को समझना बेहद जरूरी है। उस समय सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में बंद थे, स्वास्थ्य खराब था। चिंतित भाई ने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिख सलाह और मदद मांगी थी। यहाँ पर भी आपको एक तथ्य समझना जरूरी है क्योंकि इसी को लेकर इतिहासकार हरि भाई देसाई सवाल उठा रहे हैं। सावरकर ने जो 7 माफीनामे दिए, मर्सी पिटीशंस दी, उसके बारे में उसके साथ में गांधी जी का नाम जोड़कर जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने निवेदन करा है तो इतिहास का सरासर गलत प्रस्तुति है उसकी और इतिहास का विकृतीकरण है। लेकिन इस पर वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन किताब के लेखक उदय माहुरकर का कुछ और तर्क है। इसी किताब के विमोचन के दौरान राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है। तथ्यों को अगर देखें तो सावरकर ने जो पिटीशन कही जाती है क्लेमेंसी पिटीशन से कई पिटीशन की थी, और तो और गांधी जी ने एक लेख में ये भी कहा
कि भाई परमानंद नाम के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनको एक ऐसी पिटीशन के आधार पर उनको छोड़ा गया था, तो सावरकर को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट भी गांधी जी ने किया था एक लेख के अंदर। तो जो राजनाथ सिंह जी ने कल कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल गलत नहीं है। वीर सावरकर पर काफी रिसर्च करने वाले लेखक विक्रम संपत ने भी अपनी किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज में गांधी जी के एक लेख का हवाला भी दिया, जो महात्मा गांधी ने 26 मई 1920 को अपने अंग्रेजी अखबार यंग इंडिया में लिखा था और सावरकर की रिहाई के लिए आवाज उठाई थी। इसमें गांधी जी ने लिखा था, श्री सावरकर के खिलाफ दायर सभी आरोप आम प्रकृति के हैं, उन्होंने कोई हिंसा नहीं की थी। आगे उन्होंने लिखा था, वाइस रॉय को उन्हें रिहा करना ही होगा। अब इस पूरे मामले पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी और सावरकर के पोते रंजीत सावरकर को भी सुनना चाहिए। हास्यास्पद बात लगती है। एक तो जब सावरकर ने ये माफ़ी मांगने की शुरुआत की तब बापू भारत में नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में थे और भारत में उनका कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। गांधी का अप्रूवल उसको था, वो गांधी के अप्रूवल से किया गया, गांधी के एडवाइस से किया गया। एक लेटर तो गांधी के एडवाइस से भेजा गया होगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो गांधी लेटर इज विद अस कि वी सेंड वन मोर एप्लीकेशन, और बाकी एप्लीकेशन को गांधी अप्रूव्ड इट इन प्रिंसिपल। बापू के एक सहयोगी थे एल्बर्ट वेस्ट करके, उन्होंने बापू को जेल में पत्र भेजा कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए और सरकार से निवेदन कीजिए कि आपको क्षमा करके आपको रिहा कर दे ताकि आप बाके अंतिम वक्त उनके साथ रह सकें। इस चिट्ठी के जवाब में बापू ने बा को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम शायद अब बचोगी नहीं, मुझे ये कहा गया है कि तुम शायद अब बचोगी नहीं, और ये भी कहा गया है कि मैं माफ़ी मांग कर दया की भीख मांगकर तुम्हारे पास आ जाऊं आखिरी वक्त में। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उससे गद्दारी। सावरकर को दया याचिका देने को कैसे कह सकता है, लेकिन चूंकि कई राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं इसलिए सावरकर का मुद्दा पक्ष विपक्ष दोनों को भा रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, आरोप इतिहास से छेड़छाड़ का है, इसलिए हर किसी का अपना तर्क है और अपनी तकरीर। गांधी जी की चिट्ठी है लेकिन उसमें कहीं भी दया याचिका की बात नहीं है। हालांकि चिट्ठी में मौजूद याचिका शब्द को हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। मुमकिन है कि राजनाथ सिंह ने भी जो कुछ कहा उसमें वीर सावरकर के प्रति उनका भाव छिपा हुआ था। ABP News, आपको रखे आगे।